आज हम बनाएंगे गुजरात की बहुत ही पॉपुलर रेसिपी ढोकला। एकदम सॉफ्ट और लाइट रेसिपी है ये। घर में इसको हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, चलिए फिर देख लेते हैं ढोकले की रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल देसी डिलाइट सब पर। पहले तो बैटर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बाउल में 2 बड़ा चम्मच चीनी डाल दें, 1 छोटा चम्मच नमक और थोड़ा सा हींग। यहाँ पर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर रही हूँ, ये आसानी से आपको बाजार से मिल जाएगा। इसको मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। उसके बाद 2 चम्मच ऑयल डाल दें और 1 कप पानी डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से स्टेयर करना है, जब तक ये सल्फ्यूरिक एसिड है और जो चीनी है वो अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए पानी के साथ। तो आप देख सकते हो ये चीनी अच्छे से घुल गया है। अब इसके अंदर 2 कप एकदम पतला वाला बेसन में डाल रही हूँ। बेसन को आपको छन्नी की मदद से छान लेना है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दें। इसको अच्छे से छान के ऐड कर दीजिए। आपको अभी अच्छे से इसको मिलाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से फेंटिए, एकदम स्मूथ बैटर बना लें। अब इसको रेस्ट करने के लिए रखना है 10 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर ये स्टील का राउंड बर्तन लिया है, आप कौन सा भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा डीप होना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से लगा लेना है सब जगह पर, जैसे कि हमारे ढोकला जो है अच्छे से डीमोल्ड हो जाए। अब हम ढोकले को स्टीमर करेंगे। स्टीमर के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और उसके अंदर एक स्टैंड रख देंगे थोड़ा सा हाइट देने के लिए। अब ढक्कन को लगा लीजिए, प्री हीट कर लीजिए 5 मिनट के लिए। बैटर हमारा चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुका है। अब बैटर में हम 1 टीस्पून खाने का सोडा को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बेकिंग सोडा को अच्छे से मिक्स करना है बैटर के साथ, ताकि आपका बैटर जो है फूल जाए। हल्के से हाथों से इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हो बैटर हमारा कैसे फूल गया है अच्छे से। अब इसको ग्रीस किया हुआ बर्तन में डाल देंगे। इसके बाद तैयार किया हुआ स्टीमर के अंदर रख देंगे इसको। प्री हीट अच्छे से हो गया है, ऐसे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ढक्कन लगा के मीडियम हीट पे इसको 25 मिनट तक पका लेंगे। 25 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के चेक करेंगे। एक स्टिक की मदद से हम इसको चेक करेंगे, आप चाकू में भी इसको चेक कर सकते हैं। देखिए स्टिक हमारा एकदम क्लीन निकलना चाहिए। इस तरह से ढोकला हमारा रेडी हो गया है। अभी इसको निकाल कर अच्छे से ठंडा कर लेना है। थोड़ी देर के बाद एकदम ठंडा हो चुका है। अब एक नाइफ की मदद से साइड में से छुड़ा लेंगे। इस तरह से एक प्लेट रख कर उल्टा कर दीजिए। देखिए अच्छे से एकदम निकल गया है। इसको मैं फिर से उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करके अब इसे कट करना है। इस तरह से स्क्वायर में आपको कट करना है। तड़का लगाने के लिए एक पैन ले लीजिए। पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर लीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून राई, कड़ी पत्ता, कटा हुआ हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून चीनी और टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 कप पानी ऐड कर लीजिए। ये सारी चीजों को आपको ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से स्टेयर करके पका लेना है, जब तक चीनी जो है पानी में घुल नहीं जाती। तड़का हमारा रेडी है। इसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए, वर्म तड़का आपको यूज करना है। अब तड़का को हम ढोकला के ऊपर डाल देना है। तड़के डालने से एक स्वीटनेस आ जाती है और सिट्रिक एसिड का खट्टास तो ऑलरेडी है, तो खट्टा मीठा टेस्ट आता है और मॉइस्ट हो जाता है। एक बार आपने तड़का डाल दिया तो ऊपर कटा हुआ धनिया को डाल दीजिए और थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ नारियल ऐड कर दीजिए। अब ढोकला एकदम रेडी हो गया है। इसको प्लेटिंग करते हैं। ब्रेकफास्ट में कुछ ऑयली नहीं खाने का मन करे, हल्का फुल्का नाश्ता हो, तो फिर आप ये ढोकला जरूर ट्राई करिए। इस तरह से आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। Hit the like button if you like the recipe. Thank you for watching.